Hello everyone, I'm Saket, director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a small body capital A starts sliding down from the top of a wedge whose base is equal to L is equal to 2.1 meter. The coefficient of friction between the body and the wedge surface is K equal to 0.14. At what value of the angle alpha will the time of sliding be the least? What will it be equal to? तो बच्चों जैसा कि हमारे को सवाल में दे रखा है ये जो बॉडी है ना ये स्लाइड करते हुए नीचे जा रही है अब हमें एंगल अल्फा जो कि एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट कि टाइम ऑफ स्लाइडिंग क्या हो सबसे कम हो तो अगर यहां पर मैं इस बॉडी ए का है ना इस ब्लॉक ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं कौन कौन से फोर्सेस यहां पर दिखाऊंगा एक तो देखिए हम लोग यहां पर फोर्स दिखा सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन उसके अलावा mg का एक कंपोनेंट यहां पर ऐसा आएगा mg cos of alpha उसके अलावा डाउन द इंक्लाइन आएगा mg sin alpha और अप द इंक्लाइन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन स्मॉल f ठीक है इस वजह से क्या होगा ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और लेट अस से कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं आइए सोचते हैं यहां पर हम लोग लिख सकते हैं mg sin alpha minus फ्रिक्शन इज इक्वल टू m into a है ना और यहां पर हम लोग f की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं f विल बी इक्वल टू म्यू into n और n कितना हो जाएगा n हो जाएगा mg cos alpha जिस वजह से फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos alpha तो ये किसके बराबर हो गया ma के बराबर हो गया अब यहां पर देखिए m जो है हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया एक्सेलरेशन आ गया g sin alpha माइनस म्यू जी कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है अब देखिए इस एक्सेलरेशन के साथ उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये जो डिस्टेंस है डाउन द इंक्लाइन वो हो जाएगी एल अपॉन कॉस अल्फा तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं एस की वैल्यू लिख सकते हैं एल सेक अल्फा है ना एल अपॉन कॉस अल्फा को एल सेक अल्फा भी लिख सकते हैं अब हमें टाइम ऑफ स्लाइडिंग को मिनिमाइज करना है ना तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्यों क्योंकि यहां पर सवाल में देखिए क्या हुआ दिया हुआ है कि स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन है ना तो ये स्टार्ट कर रही है इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं ठीक है तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा u तो जीरो है तो l sec अल्फा इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin अल्फा माइनस म्यू g cos अल्फा s इज इक्वल टू हाफ a क्लियर है यहां तक तो देखिए हमारे पास टाइम कितना आ जा रहा है टाइम का स्क्वायर इनफैक्ट आ जा रहा है हमारे पास 2l अपॉन cos अल्फा है ना sec अल्फा को मैंने अगेन 1 अपॉन cos अल्फा लिख दिया दिस होल डिवाइडेड बाय g sin अल्फा माइनस म्यू g cos ऑफ अल्फा ठीक है ना तो ये हमारे पास आ गया t स्क्वायर तो अब बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारे को t स्क्वायर को क्या करना है मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो डेनोमिनेटर है ना जो हमारे पास डेनोमिनेटर है इसे क्या करना होगा मैक्सिमाइज करना होगा है ना तो अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो हमारे को लेट अस से कि मैंने डेनोमिनेटर को कह दिया y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ अल्फा ठीक है तो अब मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा dy अपॉन d अल्फा इज इक्वल टू जीरो है ना यही तो हम लोग करेंगे तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि y की वैल्यू क्या है ना अगर मैं सबसे पहले यहां पर y की वैल्यू को सिंप्लीफाई करूं तो y हमारे पास है g sin अल्फा cos अल्फा माइनस म्यू g cos स्क्वायर अल्फा है ना तो अब हम लोग बड़े आराम से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं dy अपॉन d अल्फा वो कितना आ जाएगा तो देखिए g तो एज इट इज रहेगा अब sin अल्फा cos अल्फा है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये क्या बन जाएगा sin 2 अल्फा अपॉन 2 बन जाएगा sin 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये तो एज इट इज रह गया माइनस μg cos स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 μg cos अल्फा और cos अल्फा का हो जाएगा माइनस sin अल्फा तो फिलहाल हमारे पास dy by d अल्फा ये आया
अब हमें इसे किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। तो अगर इसे मैं जीरो के बराबर कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ टू अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए, टू म्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया था। तो हमारे पास देखिए फाइनली क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन टू अल्फा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ म्यू इंटू साइन टू अल्फा, और इधर आ गया कॉस ऑफ टू अल्फा। तो देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ गया, टैन ऑफ टू अल्फा, टैन टू अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ वन अपॉन म्यू के बराबर। तो बच्चों फाइनली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर है ना टू अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए, टू अल्फा की वैल्यू हो जाए टैन इनवर्स वन अपॉन म्यू, या फिर और बेटर क्या कह सकते हैं, अल्फा की वैल्यू हो जाए वन बाय टू टैन इनवर्स वन अपॉन म्यू। तो इस पर्टिकुलर अल्फा पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो टाइम है ना वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमारे को सवाल में म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, के बराबर है ना, तो यहां पर हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन टू टैन इनवर्स वन अपॉन के, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर इसे सॉल्व करें ना, अगर इसमें वैल्यूज जो दी है वो भरे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 49 डिग्री। और फाइनली है ना जो टी मिनिमम है, टी मिनिमम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहां पर हमारे पास टाइम के स्क्वायर की एक्सप्रेशन हमारे पास थी ना, टी स्क्वायर बराबर था 2l अपॉन कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। तो अगर हम लोग यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी भर देंगे, 49 डिग्री, तो हमारे को टी मिनिमम जो है वो मिल जाएगा 1 सेकेंड के बराबर, और ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।